न्यू टॉपिक एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एसिडिक करेक्टर बोल दो या एसिडिक नेचर बोल दो, वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन क्वेश्चन बोर्ड में भी लेके जाता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दो तीन क्वेश्चन आईआईटी नीट में भी जाते हैं इसके। ठीक है, नाउ सी बेटा, करना क्या होता है इनमें। सबसे पहले तो बात समझो कि एसिडिक करेक्टर होता क्या है, व्हाट इज एसिडिक नेचर। जैसे बात समझिए, वो सब बेटा 10 तक। मान लीजिए कोई एसिड है HA, ठीक है, ये एसिड अगर एसिड है तो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, दिस A नेगेटिव इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड, या इसको बोल सकते हैं दैट इज अनायन ऑफ एसिड, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अनायन ऑफ एसिड। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये अनायन ऑफ एसिड स्टेबल है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मान लीजिए कि अनायन ऑफ एसिड इज स्टेबल, तो इसका मतलब ये जो HA है वो लेस स्टेबल होगा। सीधी सी बात, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, रिएक्शन की जो ईज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई, जैसे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब ये कि अगर मुझे एसिड को चेक करना है तो कभी भी एसिड को मत देखो, क्या देखो, उसको देखो, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस और द अनायन ऑफ एसिड, मोर इज द एसिडिक द एसिड। समझ में आ गया, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, मोर द स्टेबल या स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ऑफ एसिड, मोर इट्स मोर द एसिडिक द एसिड। बात समझ में आ गई, तो मतलब हम बार बार चेक क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने बोल दिया बेटा ये फिनॉल है, तो मैं फिनॉल को चेक नहीं करूंगा, मैं इसके अनायन को चेक करूंगा कि वो स्टेबल है या नहीं। तो और इसका अनायन कैसे बनेगा, इसको हटा दो जी, तो ये इसका अनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गई, तो इस पे स्टेबिलिटी देखेंगे कि क्या ये स्टेबल है या नहीं। अगर ये स्टेबल होगा तो इसका एसिड जो एसिड जिससे एसिड से बन रहा है वो भी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। और तुम्हें पता है बेटा नेगेटिव है ना, कुछ भी ग्रुप लगा दें इधर उधर, तो प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एच प्लस एच लगा के स्टेबिलिटी बता देंगे, नहीं बताएंगे, काम हो गया ना। बस थोड़े इक्का दुक्का चीज़ आती है, जैसे ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, वो दो चार चीज़ें हैं जो आपको बतानी होगी। तीन जगह हमें काम लेना है, एक तो बेंजोइक एसिड में मिल लिया आता है, प्लस एक फिनॉल में मिल लिया आएगा ऑर्थो इफेक्ट, और एक एनिलीन में मिल लिया आएगा, ये तीन टॉपिक में आता है। ठीक है, तो वहाँ और देखेंगे इसको। देखिए बेटा, अभी और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। तो इस एसिड पे एक बात और बोली जा सकती है, अगर मैं इसका के वैल्यू लिखना चाहूँ, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन ऑफ इट्स अनाइन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HA। मतलब ये कि जब ये डिसोसिएशन हुआ, व्हाट इज के, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो ये के वैल्यू इंडिकेट क्या करता है बेटा, ये इंडिकेट करेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा A नेगेटिव होगा या जितना ज़्यादा H पॉजिटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो मतलब ये कि Ka वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक बात और पता तुम्हें कि बेटा pKa जो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/log Ka, दैट इज pKa। अगर Ka वैल्यू बढ़ेगी तो log Ka वैल्यू की बढ़ेगी, अगर log Ka वैल्यू बढ़ेगी तो pKa डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। बात क्लियर हुई या नहीं। इसी पे बेसिक, बहुत बेसिक लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एसिडिक नेचर पे, अच्छा इस पे एक बात और बोल सकते हैं हम लोग, एसिड है तो इसको क्यों ना डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली क्वेश्चन इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ, चलो इसको एक सेंटेंस में लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा कि एसिडिक नेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, बोला जा सकता है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन होगा उतना ही ज़्यादा के वैल्यू होगा। और एक बात और कही थी मैंने आपको, क्या दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ क्या अनायन ऑफ एसिड। ये बात ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि काम सारा इसी से करने वाले हैं। लेट अस से एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मान लीजिए मेरे पास कोई HA1, HA2 और HA3 तीन एसिड है जिनकी के वैल्यू है 10^-2, 10^-3, 10^-5। दिस इज द के वैल्यू। गिव द एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा इसका? बेटा माइनस में वैल्यू जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा HA1 के सबसे ज्यादा, फिर HA2 और उसके बाद HA3। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका कि इस बार BH1 कर लेता हूँ, BH1, BH2, BH3 ये कोई एसिड है और इनकी PKa वैल्यू दे रखी है आपको, PKa वैल्यू दे रखी है आपको 2, 5 देन 10। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? BH3 कि सबसे ज़्यादा होगी, देन BH2 की होगी एंड देन BH1 की होगी, दीज एसिड की एसिडिक ऑर्डर। तो बेसिक लेवल पे तो क्वेश्चन आपके के और पी के पे आ जाते हैं, बहुत आसानी से बता दिया। याद है पिकबस बाबा, पिक्रिक एसिड, जो पिक्रिक एसिड होता है उसकी जो पी के वैल्यू होती है डेट इज 0.79। पी के वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, यही बोलते हैं ना, और के वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो पीके वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी, अब पिक्रिक एसिड की कितनी होती है 0.79, रट लेना आ चुका क्वेश्चन, 0.79 होती है। तो जरा आप अंदाजा लगाओ पीके वैल्यू ऑफ पिक्रिक एसिड 0.79, वेरी क्लोज टू जीरो, दैट इज व्हाई इट इज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गॉट इट? लिख लिया। मेहनत का फल क्या होता है? रसगुल्ला, है ना? तो वो वाली कहानी सुनो, ध्यान समझिए, दैट इज फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहला पार्ट लेते हैं हम लोग फिनॉल के ऊपर, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। बेटा फिनॉल क्या होता है? चलो सीधा क्वेश्चन बात करता हूं, आपको बताना है इस पूरे टॉपिक के अंदर हम एक ही चीज पे बात करेंगे, एसिडिक ऑर्डर। तो कहीं भी पूछे क्या निकालना है तो एसिडिक ऑर्डर है, स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं। बनाते जाओ, इसमें ग्रुप अटैच करते हैं। अभी मैं सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे लूँगा, ऑर्थो पे भी नहीं लूँगा, सिर्फ पैरा पे लूँगा या मेटा पे लेंगे बस, बाद में ऑर्थो का रीज़न बताऊँगा क्यों। इनमें एसिडिक ऑर्डर बताना है, तो बेटा एक बात याद रखते हैं हम लोग, एसिडिक नेचर अगर हमें देखना है, एसिडिक नेचर, तो हम किस चीज़ को देखेंगे?
ऑलवेज चेक, क्या चेक करेंगे बेटा? इट्स अनाइन या कॉन्जुगेट बेस, उसके कॉन्जुगेट बेस को चेक करेंगे। कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा ना भाई। बार बार इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि उसमें से एच हटाओ और निकालो दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, सीधा से यहाँ माइनस लगा लो, समझ लो कि बस ये अनाइन है तो ओ नेगेटिव है, एच भूल जाओ एक बार। एक क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, बात समझ में आ गई? तो ये अनाइन है और इस पर चेक करना है। तो जरा सोचो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ऑलवेज चेक द स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो जो स्टेबिलिटी होती है कॉन्जुगेट बेस की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे? लाइक स्टेबलाइज करता है ना, तो मतलब माइनस एम या फिर माइनस एच या फिर माइनस आई, इसको स्टेबलाइज करेंगे। और डिस्टेबलाइज कौन करेंगे? पॉजिटिव वाले, बात समझ में आ गई? और इनमें भी बेटा फिर वो बात आ जाती है कि आना मतलब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, वो अलग से भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ें तो तुम्हें पहले से पता है, तो किया क्या तुमने कुछ नया? कुछ भी नहीं, सिंपल से बस उसको थोड़ा सा मोल्ड किया है। अब जरा देखते हैं इस नेगेटिव को स्टेबल करना, एक बार भूल सकते हो ना इस एच को, बस चेक करते जाओ। तो ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? प्लस एच और प्लस आई। ये कौन सा दे रहा है? यहाँ कार्बन है, प्लस एच प्लस आई। ये कौन सा दे रहा है? डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड है तो माइनस एम और माइनस आई, ठीक है। फ्लोरीन कौन सा देगा? माइनस आई, पता है ना। हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन के ऊपर क्या कहानी है, कहीं पर भी आ जाए क्या सोचना है? हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट सोचना है, ना कि माइनस एम प्लस एम का। लेकिन लिखेंगे माइनस एम, और हमें पता है हेलो बेंजीन के अंदर माइनस एम इज लेस डोमिनेटिंग देन द माइनस आई, या बोलो माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेट देन माइनस एम, बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। तो बेटा कौन सी बढ़ा रहा है? नेगेटिव है। अच्छा माननी किसकी बात है वो भी देख लेते हैं, जो डोमिनेट होता है उसकी बात मानेंगे हम लोग, और इनके तो खैर यही माननी पड़ेगी। माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस है बढ़ाएगा, माइनस है माइनस है बढ़ाएगा, माइनस है बढ़ाएगा। क्लियर हुएगा नहीं? चलो बता दो आप क्या क्या बढ़ा रहे हैं, क्या क्या घटा रहे हैं, क्या? हाँ जी बेटा बताओ। पहले तो देखते हैं बढ़ाने वाले पे, पहले इस पे देख लेते हैं घटाने वाले पे। दोनों ही प्लस एच इफेक्ट दे रहे हैं, दोनों ही प्लस एच इफेक्ट दे रहे हैं डोमिनेटिंग। तो कैसे बात करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन पर। इसके अल्फा हाइड्रोजन तीन और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, छः। कैसे बेटा? ये कार्बन अल्फा कहलाएगा ना भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है रिंग में डीलोकलाइज होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, और अल्फा पे हाइड्रोजन कितना हुआ? एक, बात समझ में आई? तो मोर स्ट्रॉन्गर ग्रुप, जो पावरफुल ग्रुप होता है जितना बढ़ाता उतना घटाता भी है। तो हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा हुआ? इसमें ज्यादा हुआ, इसमें कम हुआ, तो सबसे लास्ट में कौन गया? उसके बाद अब आते हैं इन तीनों में बात, कहानी क्लियर हुई? अब देखो इसमें माइनस एम है, माइनस आई माइनस आई, माइनस एम इज मोर डोमिनेटिंग, तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा तो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? सी हो गया। अब आती इन दोनों में बात, इन दोनों का इफेक्ट कैसे देखना होता है हमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है? फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास कम है। ऊपर कौन है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन होगा। नेगेटिव चाहता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए, लेकिन ये तो उसको देने पे तुला हुआ है, तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा। तो इसका मतलब फिर कौन आएगा? और उसके बाद डी, दिस इज द ऑर्डर सी ई डी बी ए, सी ई डी बी एंड ए। आ गया समझ में या नहीं? एक बात और याद रखना बेटा, एम इफेक्ट और एच इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले केस में आप पहले क्या सोचेंगे? अनाइन 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 अनाइन, बना लो दिमाग में और काम खत्म करो।
NO2 है, क्या देगा बेटा? माइनस एम और माइनस आई। सी सी एल थ्री है और माइनस आई। साइनाइड है और ओ सी एस थ्री है, प्लस एम और ऑक्सीजन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। माननी बात आपको पता ही है किसकी है, जो स्ट्रॉन्गर है उसकी बात मानी है। माइनस है बढ़ा रहा है, माइनस है बढ़ा रहा है, माइनस है बढ़ा रहा है, माइनस है प्लस है घटा रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर ही हो गई यहाँ पर कि बेटा डी वाला तो लास्ट में ही चला गया। अब इन तीनों पे आ जाओ बेटा, इन तीनों पे बात करते हैं। जब इन तीनों पे बात करेंगे तो ये माइनस एम है, ये माइनस एच है और ये माइनस एम है, बढ़ा रहे। माइनस एम वाले ज़्यादा बढ़ाएंगे, माइनस एच वाले कम बढ़ाएंगे, तो ये इन दोनों के कंपेरेटिव कम बढ़ाएगा, तो इसका मतलब बी। अब इन दोनों में कंपैरिजन आता है जी, तो सीरीज याद कर लो माइनस एम की, क्या थी? माइनस एम कैनेडा से नाइट में शाइनिंग, तो नाइट शाइनिंग कौन ज्यादा, तो इसका मतलब, और उसके बाद ये हमने क्या निकाली है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द अनाइन निकाली, एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द अनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एसिडिक नेचर ऑफ दैट एसिड। थियोरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं इस तरह से, ठीक है, सीधा क्वेश्चन बोलेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, व्हाई? तो मतलब चार पांच के कंपैरिजन नहीं आ रहे, वहां दो में बीच में कंपैरिजन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा। तो ये काम तो आप वैसे भी करोगे, और फिर बताना कि प्लस एम है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, जरा सोचो जरा। प्लस वाले देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, माइनस वाले खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो आप बोलोगे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ ओ सी एस थ्री एट पैरा पोजिशन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल गेट डिक्रीजेस, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एनओ टू इनक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इतना स्टेटमेंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई है, बस उसको थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना है। वो बोर्ड की कहानी होगी या आई आई टी नीट की कहानी होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। ऑलराइट, सी नाउ फर्स्ट ग्रुप, सबसे पहले तो अनाइन देखेंगे हम लोग, नेगेटिव बनाएंगे इनका और चेक करेंगे। सी एन है बेटा माइनस एम, माइनस आई का को मतलब नहीं, मैं मेन ग्रुप लिख देता हूँ। ओ सी एस थ्री प्लस एम, और इस पर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के लिए क्या आएगा? प्लस एम। याद करो बेटा, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस एम होता है, लोन पेयर है और नेगेटिव है तो क्या होगा? प्लस एम। उल्टा, तो लोन पेयर था, लोन पेयर था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ाएगा, ये घटाएंगे दोनों, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो हो गया ए। अब बी और सी में बात करनी है बेटा, तो ओ सी एस थ्री और एन एस टू, प्लस एम सीरीज याद करो। प्लस एम सीरीज क्या थी? सी नंबर वन टू थ्री, लेकिन वन टू थ्री अमाइंस थे, सी नंबर वन टू थ्री ऑल, ऑल मतलब फिनॉल, मैथ्स मतलब मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी पहले आ गया या अमाइन पहले आया? वन डिग्री अमाइन पहले आया, ठीक है। सी नंबर वन टू थ्री, तो वन डिग्री अमाइन, टू डिग्री अमाइन, थ्री डिग्री अमाइन, ऑल बाद में आया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? ए पहले, उसके बाद सी, और उसके बाद बी आएगा पहले। बेटा वो ऑर्डर में था, तो इसका मतलब ये घटा रहे हैं तो वो पावरफुल ग्रुप ज्यादा घटाएगा, तो ऑर्डर हो गया सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो फिर क्या होगा? प्लस एम। लोन पेयर है क्या होगा? प्लस एम। लोन पेयर है प्लस एम, लोन पेयर है प्लस एम। अरे ये तो सारे प्लस एम के हो गए, मतलब सबके सब घटा रहे हैं, सबके सब डिक्रीज करेंगे। अब ये समझ में आ गया ना डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको अनाइन मान के चले हम, तो डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा कौन घटाएगा ये देखते हैं बेटा। ये देखिए, दिस इज वन डिग्री अमाइन, दिस इज टू डिग्री अमाइन, दिस इज थ्री डिग्री अमाइन, यही होता था ना। तो सी नंबर वन टू थ्री, तो वन
ज़्यादा पावरफुल है तो सबसे लास्ट में गया, तो इसका मतलब लास्ट में कौन गया? डी गया। फिर टू वाला गया मतलब पी। फिर थ्री वाला गया मतलब सी। फिर बच गया एक, तो अपना आप ही निकल गया, नहीं नहीं ए, ए सी बी डी। नेक्स्ट देखें बेटा, डबल बॉन्ड है माइनस एम, डबल बॉन्ड है माइनस एम, मेटा पे है, तो ये चेक कर लेना मेटा पे है या फिर ऑर्थो पैरा पे। मेटा पे कभी भी रेजोनेटिंग और मेसोमेरिक इफेक्ट लागू नहीं करना। हाँ जी बेटा, कौन सा इफेक्ट लागू होगा अब? माइनस आई, इसका माइनस आई, लेकिन इसका प्लस आई। तो बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, ये घटाएगा या माइनस है माइनस है बढ़ाएगा, माइनस है माइनस है बढ़ाएगा, ठीक है? तो जो घटा रहा है उसको तो लास्ट में पटक दो जी, अब इन दोनों में कंपेयर करना है जी। तो माइनस आई सीरीज क्या, सीरीज क्या थी? ओ फॉरेन कंट्री से, हाँ तो सूरज आकर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओ फॉरेन, फॉरेन भी नहीं है, कंट्री, कंट्री क्या था? साइनाइड। तो सबसे पहले कौन हो गया? फॉरेन, हाँ NO2 आ गया था सबसे पहले, था NF3 देन NR3 देन NH3 पॉजिटिव एंड देन NO2 था, तो फॉरेन में तो NO2 आ गया था ना आपका, तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया ए बी सी। इसमें बात करें, देख लेते हैं, माइनस एम, माइनस एम, प्लस एम और इसका प्लस एम, लोन पेयर है ना, माइनस माइनस बढ़ाएगा, माइनस 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 आई मेटा पे है, मेटा पे है बढ़ाएगा, प्लस वाले घटाएंगे। पहले बढ़ाने वाले की बात कर लेते हैं, अब ये बढ़ा रहे तो सबसे पहले ए ही हो गया, उसके बाद बी हो गया। अब जो घटा रहे हैं उनमें से देख लेते कौन ज़्यादा पावरफुल घटाते हैं, तो प्लस एम सीरीज को रिकॉल करो, सी नंबर वन टू थ्री, ठीक है, फिनॉल पहले आता है, OH पहले आएगा, मिथॉक्सी बाद में, तो OH ज़्यादा घटाएगा, तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया? लास्ट में। तो ए बी सीरीज द आंसर, और यही इनका एसिडिक ऑर्डर है, मतलब आप लोगों ने बताया इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर ऑफ दैट एसिड जिससे ये मिलकर बने। कहानी क्लियर हुई? अब इंपॉर्टेंट बात, अब मेटा की कहानी आएगी मेन चीज जिसके कारण तुम अटकते हो। तो एसिडिक नेचर चेक करना बहुत आसान है अगर तुम उसको इस वे में करते हो तो। अब जरा आगे देखिए बेटा, अब हेडिंग डालिए आप, दैट इज रिंग फॉर्मेशन इन फिनॉल, रिंग फॉर्मेशन इन फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल पे ना दो रिंग फॉर्मेशन, दो कहानी भी चलती है, एक चलता है SIR स्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं, और दूसरा चलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो यहाँ पे आएगा। इसको हम चिलेशन भी कहते हैं, चिलेशन इफेक्ट या फिर रिंग फॉर्मेशन इफेक्ट। चिलेशन का मतलब ही होता है रिंग, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जो रिंग फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। अब इससे पहले आपको चिलेशन बताऊं, एक बात ये समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है बेटा? एक तो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और साथ में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये, यही है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन के साथ में फोन का होना ज़रूरी है, फोन, एफ ओ एन, फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है? हाइड्रोजन के साथ में फोन का होना ज़रूरी है, और वो फोन हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लागू होगी अब, क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागू हो जाएगी, डायरेक्टली अटैच है, समझ में आई बात? तो ये बात ध्यान रखना। अब जरा बात करते हैं, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वन इज इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर इज इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिकुलर हम बात करेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर की, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको मैं बोलता हूँ IHMB, इसके लिए क्या कंडीशन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर IHMB?
पहला हाइड्रोजन के साथ में फोन का हो, दूसरा इंट्रामोलिकुलर है ना, तो दूसरी कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी अनदर एलिमेंट बी प्रेजेंट, वहां पर अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, और ये दोनों चीजें ना विद इन अ मॉलिक्यूल होनी चाहिए, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हो। जैसे कि मैं बात करता हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बात समझ में आई? अब अगर इसकी एसिडिक नेचर को मुझे अगर चेक करना है तो मैं क्या करूं बेटा, एच पॉजिटिव हटाएं और इसके अनाइन को चेक करें बेटा, वो नेगेटिव, इसको चेक करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे अनाइन ऑफ एसिड। तो एक बात बताओ, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो आई एच एम बी किस में है किस में नहीं है, दिस इज अनाइन ऑफ एसिड, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिड है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागू होगी, देयर इज नो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, मेन कंडीशन तो वो थी, तो यहां पर बात लिखना नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लागू होगी यहां पर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मतलब क्या है, नो आई एच एम बी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बात आ रही है वो है ये नो आई एच एम बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना तुम, इसमें अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, कंडीशन देखो फॉलो हो रही नहीं रही है, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है और यहां पर एक और एटम होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी तो हो पाएगी, ठीक है, अगर सिर्फ OH होता है तो उसमें कैसे कर लेते हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉसिबल ही नहीं थी बेटा उस केस में, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रा, हाँ आई एम एच बी कर लो, आई एम एच बी सही है, आई एम एच बी इंट्रा मॉलिकुलर, याद रखना इंट्रा है इंटर नहीं है, इंटर की बात ही नहीं होती, जैसे जो कहानी बिगड़ती है सिर्फ इंट्रा के कारण बिगड़ती है, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए किस तरह से हो रही है, रब करो, देखिए दिस इज इंट्रा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाया, अब इसमें आई एच एम बी कैसे होगा जरा बात समझना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और पार्शियली नेगेटिव इस पे होगा, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, फोन का यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर सेम होता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, 4.0, 3.5, 3.0 ये होती है पॉलिंग स्केल पे इनके वैल्यूज, तो इसका मतलब इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे नहीं करेंगे, ये बॉन्ड बन गया, नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आई एम एच बी, मेरा एम और एच ए की जैसा लगता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका बेनिफिट क्या क्या हुआ जरा सोचते हैं, रिजल्ट क्या निकला इससे, इस बॉन्डिंग से रिजल्ट क्या निकला, देखिए बेटा पहला रिजल्ट तो ये निकला कि बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ जी, बॉन्ड फॉर्मेशन आकर पहली तो बात ये हुई कि बॉन्ड हो गया, दूसरा रिजल्ट क्या निकला, सिक्स मेंबर्ड रिंग, स्टेबल रिंग इज फॉर्म्ड, छह मेंबर्ड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सिक्स मेंबर स्टेबल रिंग फॉर्मेशन। अरे भाई कहीं पर रिंग बन रहा हो या फिर कहीं पे बॉन्ड बन रहा हो, दोनों चीजें किसको समझाती हैं,
स्टेबिलिटी को ना, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बोले स्टेबिलिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो अब जरा बताओ क्या ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकला जा सकेगा? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि तो स्टेबल हो गया। और एसिडिक रिएक्टर में क्या पढ़ते हैं हम कि हाइड्रोजन निकले बेटा बाहर। तो ड्यू टू आई एच एम बी क्या हुआ, IMHB या ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल डिक्रीजेस। अच्छा ये इफेक्ट मेटा और पैरा पे क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो है तो ये सेकेंडरी फोर्सेस ना, वीक फोर्सेस में काउंट हो रहे हैं। तो अगर जितना पास में होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि पार्शियल है बेटा, जितना पास में होगा उतना बॉन्ड बना सकेंगे, दूर चला गया तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो ये बात याद रखना, एक नोट यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू IMHB सही लिखा ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए ऑर्थो नाइट्रो और पैरा पे, एक क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें सीधा सा यहां पर कि बेटा ये है ऑर्थो पे है, मेटा पे है और पैरा पे है, तो बताओ बेटा एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? ये ABC मान लो, इसको ABC काम तो वही करना है आपको, लेकिन यहां पर क्या हुआ इस बार IHMB लग गया, IMHB इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गया। तो ए तो सबसे पीछे गया, ठीक है, मेटा पे था -I, पैरा पे था क्या होगा -M, वही मानना है नेगेटिव। इसका तो नेगेटिव बन नहीं पा रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ नहीं पा रहा हो। तो जरा बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो 9 का। तो सी तो क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये घटा देगा ड्यू टू IHMB। ऑल्दो ये भी बढ़ाता, ये -M इफेक्ट देता, बढ़ाता जरूर, लेकिन क्या हो गया, बॉन्डिंग की वजह से इसने हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाया, इसलिए हम इसका इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ में आई बात? तो ऑर्डर क्या बना बेटा, CB और A। क्लियर हुआ? अब ये तो बात हुई बेटा एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो, बट इसमें एक नोट डाल के लिखेंगे हम जरूर कि अगर एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो क्या हो। चलो पहले इस पे एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो इस पे बात करते हैं। हाँ जी बेटा, सीधी सी बात, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, इफेक्ट कौन सा देना चाहिए था इसको, इफेक्ट -M देगा, ये कौन सा देगा, मेटा पे आई देगा ना, ठीक है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, अगर अनाइन बनाते इसका मतलब हम, अगर हम इसकी बात करें स्टेबिलिटी किसकी होती है, तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होता, बी का, ठीक। इस पे आना एक बार, हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, मेटा पे है ना ये, ध्यान से समझो बेटा, -I इफेक्ट -M से हमेशा कम ही होगा। अगर मेटा और मेटा में कंपेयर करता, जैसे कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ, इस पे पहले लो फिर इसको लो, अगर हम इस पे बात करें, आपने कहा -M है और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इस पे बात करेंगे तो -I है और इस पे बात करेंगे तो -M है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा -M वाले डोमिनेटिंग तो हैं, -H वाले लेस डोमिनेटिंग है, तो -H वाला चाहे कुछ भी हो वो पीछे ही जाएगा। बेशक यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि H से भी पीछे पटक दिया आपने उसको, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम बेसिक कौन, एसिडिक कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देख रहे हो ना,
तो इसको नेगेटिव मान के चलेंगे, इसको नेगेटिव मान के चलेंगे, और इसको भी नेगेटिव मान के चलेंगे एक बार, तो है तो बेटा सेकेंडरी फोर्सेस वीक फोर्सेस में ही तो काउंट है, ये भी तो सोचो ना आप। तो माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस, सबके सब बढ़ा रहे हैं, सबसे कम कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, तो बी सबसे लास्ट में गया, समझ में आई कहानी, तो बी सबसे आपका लास्ट में गया, मतलब क्या हाँ सी, तो इसका मतलब मेटा वाला सबसे आपका कहाँ पे चला गया, लास्ट में गया। उसके बाद आती है आपकी बात ऑर्थो और पैरा के अंदर। अब ऑर्थो और पैरा के अंदर कंपेयर करना, दोनों माइनस इफेक्ट दे रहे हैं, माइनस एम दे रहे हैं, तो माइनस एम के बेसिस पे तो नहीं बात करेंगे क्योंकि हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वीक हो गया, तो इस वजह से क्या होगा, दैट इज सी सबसे पहले आ गया और उसके बाद ए आ गया, तो ये होगा इसका ऑर्डर। पीछे भी करेक्ट कर लेना बेटा प्लीज। तो अब बताओ बेटा इसमें ए इज मोर एसिडिक देन मेटानेटोफिल। अगर यहाँ पे पैरा होता ना तो बात अलग होती, क्योंकि कंपेयर तुम सेम में कर रहे हो। अब इस ऑर्डर को आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक तो लग गया माइनस एम और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर माइनस एम, यहाँ पर लोन पेयर है तो प्लस एम, माइनस आई लोन पेयर है तो प्लस एम। चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस बढ़ाएगा, माइनस माइनस बढ़ाएगा, माइनस प्लस घटाएगा, माइनस माइनस बढ़ाएगा और माइनस प्लस घटाएगा। तो घटाने वाले हमारे पास दो केस हैं, दोनों केसेस में ज़रा ध्यान से देखो, एक तो ये है और एक ये है, दोनों प्लस एम है बेटा, ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर याद करो प्लस एम का, क्या ऑर्डर था, ऑल मैथ, तो ऑल पहले आ गया, मैथ्स बाद में आया, तो ऑल मतलब ये लास्ट में गया और उसके बाद ये आया। अब बाकी तीनों में देखो, इन तीनों में, इसमें इसमें और इसके अंदर कंपेयर करो, देखो ये दोनों माइनस के एम के हैं तो डोमिनेटिंग फिगर्स हैं, ये सबसे कम करेगा, तो उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद कौन आया, यस डी, फिर ए, लास्ट में बी, बी ए डी ई सी। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो कंसेप्ट, चेक कर लो इसको। तो ये तो सिंगल सिंगल थे, अगर एक से ज्यादा नाइट्रोफिल ग्रुप आ जाते हैं, इफ मोर देन, इफ मोर देन वन नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फिनॉल, तब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, देयर इज नो आई एम एच पी, कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट लागू ही नहीं होता, देन नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट इज अराइज, या का ठीक है, देयर विल बी नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो बेटा इसको नोट में लिख लेना अलग से, कहीं गड़बड़ कर दो। देखिए बेटा, कोई एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, ये क्या होता है, पिक्रिक एसिड, आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि पिक्रिक एसिड क्यों होता है मोर एसिडिक, अभी समझ में आएगा आपको, वो तो पीके वैल्यू है ना उसकी, वो तो वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीजन क्या है परफेक्टली वो आप आंसर हो गया। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी
IMH में नहीं लगना, एक से ज़्यादा हो गया तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि देखो तो इधर से भी खींचा, इधर से किसी का बॉन्ड वीक था वैसे टूट गया, ठीक है, तो एक रीज़न ये होता है। अब जरा बात समझते हैं, माइनस एम सब में लग रहा है, इसमें क्या क्या लग रहा है, माइनस एम माइनस आई और माइनस आई, इसमें इसमें और इसमें तीन तीन लग रहे हैं, अनाइन है, स्ट्रांगली बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक या मोस्ट एसिडिक अमंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्यों है, बिकॉज ऑफ मोर मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव माइनस एम एंड माइनस आई ग्रुप ऑफ थ्री, या ऐसे बोलो बिकॉज ऑफ थ्री विड्रॉइंग नेचर ऑफ एनओ टू, तीन तीन ग्रुप लग गया बेटा जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे, इसके अनाइन को स्टेबलाइज कर देंगे, और अगर अनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो एसिडिक नेचर है एसिड का वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, कहानी बल्ले पड़ गई। तो पिक्रिक एसिड की पीके वैल्यू मैंने आपको बताई थी, पीके वैल्यू कितनी है 0.79, याद रख लेना बेटा इसको, तो ये बात तो साफ होगी कि डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद देखते हैं बेटा, उसके बाद कौन आ रहा है, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लो कहानी इतनी आसानी है क्योंकि सारे के सारे एम ई हैं और सारे के सारे आई हैं, तो आपको बस क्या देखना है कि सब में जैसे एम इफेक्ट है, जैसे यहाँ बात करते हैं, यहाँ माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई दोनों लागू हो रहा है, इसमें भी माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई दोनों लागू हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट चाहे ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्टेंस पे कभी डिपेंड नहीं करता, उसकी जितनी स्ट्रेंथ पैरा पे होगी उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी ऑर्थो पर भी होगी, तो हम माइनस एम के आधार पे तो बात नहीं कर पा रहे हैं, हम किसके आधार पे बात कर पा रहे हैं, आई इफेक्ट के आधार पे बात कर रहे हैं, समझ में आई बात, तो आई इफेक्ट की अगर रीजन के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन होगा, दैट इज सबसे पास में ही आ गया, दोनों पास में है इस वजह से वो नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो दैट इज सी। अब आती है इन दोनों में बात, इन दोनों में बात साफ दिख रही है आपको कि बेटा इसमें माइनस एम है, इसमें भी माइनस एम है, इसमें माइनस एम है, लेकिन इसमें आई है, तो जीता कौन, बी, और सबसे लास्ट में कौन गया, डी सी पी ए, आया समझ में या नहीं आया आपको, तो क्या बात ध्यान रखनी है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब लागू करेंगे, जब एक हो, एक से ज्यादा हो गया तो लागू नहीं हो पाता, उस केस में हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, और वहां पे ये भी ध्यान रखना है बेटा कि एम इफेक्ट के बेसिस पे ज्यादातर बात नहीं हो पाती, वहां पे बात करनी होती है हमें आई इफेक्ट के, क्योंकि सबके पास तो एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ इक्वल है, पढ़ इट, चलिए।